भाई साहब ये क्या हो रहा है, बिग बॉस सीजन 2 जो OTT का सीजन 2 है उसके इंतजार में फैंस न जाने कितने समय से थे, और अब देखिए खबरें ऐसी आ रही है कि बिग बॉस OTT हो चुका है पोस्टपोन, अगले साल आने वाला है। भाई क्या हो रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल टेक्निकली अभी जो है आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ हफ्तों में, रादर लेट्स बी प्रिसाइज, अगले महीने में, मंथ के मिड में या एंड में एक्सपेक्ट हो रहा था कि बिग बॉस OTT 2 आए। वेल अभी भी उसी का एक्सपेक्टेशन हो रहा है, OTT सीजन 2 बिग बॉस का हमें अगस्त में देखने मिलने वाला है। लेकिन अब ऐसी खबरें आने लग गई है कि बिग बॉस OTT 2 पोस्टपोन हो चुका है, और उसे पोस्टपोन कर दिया है बिकॉज अभी फिलहाल झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी शुरू है, सो ऑलरेडी बहुत सारे शोज OTT कलर्स पे आ रहे हैं, सो इसमें OTT अटेंशन नहीं लेना चाहिए, या OTT के पास कम अटेंशन नहीं गया, कम अटेंशन गया तो प्रॉब्लम होगी। इसके लिए पहले अक्टूबर 16 को अप्रॉक्सीमेटली बिग बॉस आने वाला है। बिग बॉस आएगा, बिग बॉस का 16 सीजन खत्म होने के बाद जब जनवरी में सीजन खत्म होगा तब फरवरी में OTT 2 का सीजन लाया जाएगा, और इस तरीके से जो है वो टाइम ऑफ पीरियड होता है, ऑफ सीजन होता है, तो उस वक्त लोग जो है ये शो OTT पे देखेंगे। बट लेट मी गाइस टेल यू वन थिंग, लॉकअप भी आने वाला है अगले साल। ऑफ कोर्स इस साल का काफ़ी बड़ा हिट सीजन रहा है, पिछले बार फरवरी के एंड में आया, तो अगर फरवरी के एंड में लॉकअप आना है तो वही टाइम पे अगर बिग बॉस का OTT 2 सीजन आया तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड मॉल है, दोनों ही खुद की कंपनी है, यानी दोनों खुद के शोज है, एंड मॉल के ही वो दोनों शोज है, भले एक बालाजी के साथ हो रहा है कलर्स के या वूट के साथ हो रहा है, लेकिन दोनों है तो कहीं ना कहीं एंड मॉल के, तो अपने आप के दुश्मनी तो अपने आप से मोलेंगे नहीं। OTT 2 और लॉकअप एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे नहीं, ठीक है, दोनों की ऑडियंस काइंड ऑफ सिमिलर ही है, सो ये मुझे तो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। प्लस अगर आपने कहा कि OTT 2 फरवरी में आएगा उसके बाद ये लॉकअप लाएंगे, नहीं बाबा, बेस्ट टाइम वही टाइम है, तो अगर वो पोस्टपोन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सो आई डोंट थिंक दैट इज़ हैपनिंग। प्लस ऐसी खबरें आ रही है कि बिग बॉस सीजन 16 के ऊपर पूरा फोकस जाना चाहिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि होस्ट फाइनलाइज नहीं हो रहा है इसलिए हो रहा है, कंटेस्टेंट्स जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे, बजट ओवर द टॉप जा रहा है, जैसा कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही जाती है। अगर करण जौहर अवेलेबल नहीं है तो कोई ना कोई और स्टार स्टेप इन कर ही लेगा, लेकिन इस तरीके से जो पोस्टपोन होने की खबरें आ रही है, कहीं से भी ऑफिशियली खबरें नहीं है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन इसके ऊपर नहीं है, सो हम आपको यही बोलेंगे कि जब तक ये ऑफिशियल नहीं होता है इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत रखिए। अभी फिलहाल के लिए तो इनसाइड खबरी हमको जहाँ से जहाँ तक मिले हैं वो इस तरीके से है कि फिलहाल इस शो के ऊपर काम जारी है, ठीक है। अगर नहीं हो पाया होस्ट मिलना, या फिर कंटेस्टेंट्स मिलना, या फिर बजट ठीक होना, या सारी कुछ चीज़ें होना, तो थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन कैंसिल तो नहीं होगा या अगले साल तो नहीं जाएगा जहाँ तक अभी फिलहाल दिखाई दे रही चीज़ें। एंड वैसे भी शाम 7 बजे एपिसोड्स आते हैं, तो कहीं पे भी ना नागिन 6 को, ना खतरों के खिलाड़ी, ना आने वाले झलक दिखला जो को कहीं ना कहीं कहीं से भी प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ OTT सीजन 2। इसीलिए जो खबरें आ रही है कि पोस्टपोन ही हो चुका है उसके ऊपर फिलहाल तो मैं कहूँ विश्वास मत रखिए जब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आता। आई सी यू गाइस सून, टेक केयर।